पता नहीं कि आजकल क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि आजकल कॉल फॉरवर्डिंग से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत लोग ये ध्यान नहीं देते हैं और उनका कॉल फॉरवर्ड रहता है और उससे क्या हो सकता है उनको इसका अंदाज बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपका भी कॉल फॉरवर्डिंग है तो आप ये चीज़ का सुधार कर लो, वरना आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जैसे मैं आपका बैंक से पैसा खाली हो सकता है, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। तो आपको इसको सुधारना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आप पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो नेट सिस्टम है इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। आपको तो पता ही है हर जगह से अभी कैसे फ्रॉड होता है, आधार कार्ड से, ये से, वो से, हर जगह से आदमी कुछ ना कुछ फ्रॉडगिरी कर रहा है। तो आपको इससे बचना पड़ेगा दोस्तों। अगर इससे आपको बचना है तो आपको करना क्या है और कैसे आप इससे बचेंगे, चलिए आज आपको दिखाते हैं विस्तार से। आप अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काम के लायक होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा लंबा होने वाला है नहीं वीडियो, ये अच्छे से देखें और समझ लें। और इस बात को ध्यान रखें कि आप हमेशा मतलब कि आप चेक करते रहें, ये कभी भी हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है, टाइमिंग नहीं है यार। आप कहीं भी जाओ कुछ सिस्टम करवाने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, आधार कार्ड ये कर दो भाई, वो कर दो भाई, तो उस समय आपका हो सकता है, ठीक है ना। खास करके बैंक से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे आपका OTP चला जाएगा और आपका पैसा उड़ सकता है, ठीक है। कोई दूसरा कोई फॉरवर्ड करा के आपका पैसा उड़ा सकता है। तो इसको रोकना कैसे, इससे बचना कैसे, चलिए मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ दोस्तों। आपको देखिए डायल पे आना है, यहाँ पे डायल पे आने के बाद दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको स्टार डालना है, उसके बाद हैच डालना है, उसके बाद 6-2, उसके बाद फिर से हैच डालना है दोस्तों। और इसको आपको डायल कर देना है, समझ गए। जब आप डायल करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा, देखिए आपको मेरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस नॉट फॉरवर्डेड, वीडियो नॉट फॉरवर्डेड। तो ये जो वॉइस नॉट फॉरवर्डेड है ना दोस्तों, इसी पे एक OTP फॉरवर्ड होता है, वॉइस OTP। जब ये फॉरवर्ड होता है दोस्तों, जब ये फॉरवर्ड होता है तो इसी से क्या होता है कि बैंक के लोग अगले तरफ और भी फॉरवर्ड करके आपके बैंक के पैसे को खाली करवा सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और आपको इससे बचना है दोस्तों, ये बहुत ही डेंजर है, समझ गए ना। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है, जो इनको जानकारी नहीं रहती उनके साथ तो बिल्कुल हो जाता है। इसलिए देखिए आपको तो पता चल गया कि मेरे नंबर पर ये नहीं है, यानी कि कोई भी तरह का फॉरवर्डिंग नहीं है। अगर आपका है फॉरवर्ड है तो आपको उसको डिलीट कैसे करना है दोस्तों, आइए वो भी जान लेते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे डालना है H H और 2200, उसके बाद 2, उसके बाद फिर हैच डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से डायल कर देना है दोस्तों। आपको यहाँ पे देखिए फिर से आएगा, जो भी आपका OTP रहेगा, जो भी फॉरवर्डिंग रहेगा, वो पूरा तरह से डिलीट हो जाएगा दोस्तों, समझ गए ना। बस आपको इतना काम करना है, ऑटोमेटिकली ये पूरा डिलीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, आप आराम से काम कर पाइएगा अपना। और इसे बीच बीच में आप चेक करते रहिए, ऐसा नहीं है कि आपको चेक नहीं करना है, आपको इसे बीच बीच में चेक भी करते रहना है, वरना बहुत दिक्कत हो सकता है दोस्तों, समझ गए ना। आपका पैसा बैंक से खाली हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत लोग ये सब शेयर नहीं करते, बस व्यूज पाने के लिए कुछ भी। यहाँ पे आपको दिखा दिया, देखिए जो मैं अभी डायल किया था यहाँ पे H H002H को, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल फॉरवर्डिंग कॉम्प्लेक्शन प्रॉब्लम इज इनवैलिड, क्या लिखा है यार, इनवैलिड MMMI कोड। तो यहाँ पे जो भी है आप पढ़ लेना इंग्लिश में, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए सब तरह का प्रॉब्लम सब खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे है ही नहीं मेरा कुछ प्रॉब्लम, इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी एक महीना में, दो महीना में, या आपका जब भी इच्छा करे, दिल करे कि हाँ भाई जरा ज़्यादा नेट का काम कर लिया, इधर उधर गया, ये करवाया, वो करवाया, कुछ भी आप जैसे करवाते हो, आधार कार्ड बनवाते हो, पैन कार्ड बनवाते हो, कुछ भी बना दो आ रहे हो यार, कहीं भी कुछ कर रहे हो, जहाँ पे आपको नेट से काम रहता है और आप अपना नंबर वहाँ इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि OTP की मदद से ऐसा कर लेते हैं बहुत लोग और आपका नुकसान हो जाता है, तो आपको इससे बचना है, अच्छे से बचिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि आपको चेक करते रहना है, आपका कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप अगर चेक नहीं करते हो तो शायद आपको कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए और आपका पैसा भी उड़ जाए, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, समझ गए ना, ये नेट का सिस्टम ना अभी सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो गया, समझ गए। पहले जब कतरे मिलते थे, अभी अकाउंट कतरे मिलते हैं, अब डायरेक्ट अकाउंट खाली करने के बारे में सोचते हैं, समझ गए ना। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा और अच्छे से ध्यान देना होगा दोस्तों, वरना आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपने दोस्त को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को, यार हमको क्या सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं, बाय बाय।